अजी सुनिए जी, अजी सुनिए ना, 3 बजे से उठाए जा रही हूँ, अब 4 बज चुका है, टूटने का नाम ही नहीं ले रहे। उठिए और चाय पीजिए। अरे फिर से हाथ पकड़ा आपने, अब तैयार भी हो जाइए, अब बच्चे स्कूल से आने वाली है। चाय लाइयो। एकदम मस्त चाय। मैं सोचता हूँ तेरे साथ शादी करके घर बसा लूँ। आज आप अच्छे मूड में हैं? मैं तुमसे शादी करूँगा। इसकी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास एक लड़की है। लड़की का बाप गांजा बेच के जेल गया, मुझे और मेरी बेटी के लिए। गांजा को हाथ में लेते हो तो मुझे टेंशन होती है, मैं अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। वकील ने कहा कि वो और 2 साल अंदर रहेगा, मेरी बेटी की परीक्षा हो जाए कासरकोट जाऊंगी अपनी माँ के घर पे। राजू जी मैं आपसे प्यार करती हूँ, अगर पुलिस मुझे पकड़ ले तो उसके बाद राजू जी मेरी बेटी की हिफाजत करने के लिए आफी तो हो। आपके अलावा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता, ये गांव के लोग मुझे राजू की रखेल कहेंगे, कहने दो। कोई बात नहीं, राजू जी वो बाहर की दुकान में एक पागल है ना, दूसरों के सामने मेरी से सवाल करता है, राजू भाई आए क्या, राजू भाई खाए क्या, राजू भाई गए क्या, उसे एक बार समझा दो। मैं चलता हूँ। एक मिनट राजू भाई, गांव में घर का काम करवाना है, बेसमेंट बनाया तो पंचायत से पैसा मिलेगा, माँ ने बुलाया है, महिला लोन के लिए अप्लाई कर दिया है, मिलेगा कहते हैं। सुन इधर आ। क्या है भाई? इस तरफ आ, तुझे सीधी हाथ से समझाने, उल्टे हाथ में दर्द है मेरे। क्यों मारा तुझे पता है ना? जा जाके सिगरेट लेके आ। ये ले। नहीं भाई बस एक ही सिगरेट की तो बात है। ठीक है सही से काम कर। कहाँ है लोग? अमीरा तैयार हो रही है, आयशा जैस्मिन के घर पर गई है, वो दोनों शादी के मंडप में ही आएंगी।
अमीरा अभी बहुत सुंदर लगती है। अपनी आयशा की शादी करना जरूरी है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जीप में चढ़ने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। माँ जल्दी बैठो ना। सुनो उमेश, हमारा गेंडा जॉय वो आया है। बस स्टैंड के पास जो होटल है वो लोग वहां पर बैठे हैं। अगर अभी आए तो उन्हें पकड़ सकते हैं। होशियार रहने की जरूरत है। तो नहीं छोड़ूंगा। ए फैजल, इसको मार। सब लोग रुको, मैं बहुत बार तुम लोगों को समझाया, इस तरह लफड़े में मत पड़ा करो। सुनते ही नहीं तुम लोग। जब हमारे बीच से कोई जाएगा ना, तब समझ में आएगा तुम लोगों को। साजी, मैं तुम्हारा खेल खत्म करने वाला हूं। आयशा के साथ तुम्हारी शादी करा दूंगा। जब कोई सवाल करने वाला होगा तो तुम कभी भी ऐसा नहीं करोगे। मेरी बात तुम सबको समझनी पड़ेगी, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। मेंबर चलो।